अकोला से नागपुर आकर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में हुडकेश्वर पुलिस और शहर क्राइम ब्रांच को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत उसके अन्य दो साथियों को गिरफ्तार कर उनसे कार समेत 4,38,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, ये बात हमने सुनी है, लेकिन शहर की हुडकेश्वर पुलिस और नागपुर क्राइम ब्रांच ने इसकी सही मिसाल पेश की है। बीते कुछ दिनों से हुडकेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत घर फोड़ी के कई मामले सामने आ रहे थे, जिसके चलते पुलिस आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई थी। इसी बीच कुछ सेनमरी की घटनाओं के आरोपी के फिंगरप्रिंट अकोला के आरोपी से मिल रहे थे, इसके चलते हुडकेश्वर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने साथ में जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खास बात ये थी कि आरोपी अकोला से मारुति रिट्स गाड़ी से नागपुर आता था, यहाँ चोरी कर अपने गांव जाता था। नागपुर में आरोपी अक्षय दारोकर ने दो सहयोगों को भी जोड़े रखा था, जिनके साथ वह चोरी और चोरी के बाद सोना चांदी का निपटान करता था। पुलिस ने आरोपी के दोनों भी साथियों को गिरफ्तार कर उनमें से एक आरोपी सोने का व्यापारी था और व्यवसायी होने के नाते वह आरोपी अक्षय से आधे दाम में आभूषण खरीदता था। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहते ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस स्टेशन हुडकेश्वर हद्दीमध्ये दिवाळीनंतर घरफोड्या वाढल्या होत्या। घरफोड्यांचा तपास हुडकेश्वर पोलीस स्टेशन आणि गुन्हे शाखा हे समांतर तपास करत होते। गुन्हा नंबर 122/22 तपासादरम्यान जे आरोपीचे फिंगरप्रिंट मिळालेले होते, ते फिंगरप्रिंटचे ट्रेस करताना त्या फिंगरप्रिंट अकोला येथील रेकॉर्डवरील गुन्हेगार अक्षय दारोकर याची ते फिंगरप्रिंट असल्याचं लक्षात आलं। आपण हुडकेश्वर पोलीस आणि गुन्हे शाखा पोलीस त्याचा शोध घेत होते। आरोपी हा नागपूरमध्ये गुन्हे करून त्याच्याजवळील रिट्स कारने तो अकोला येथे जात असताना गुन्हे शाखेने ट्रॅप लावून त्याला पकडले आणि आरोपीने जवळपास 10 घरफोड्या पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर हद्दीमध्ये केल्याची प्राथमिक कबुली दिलेली आहे आणि त्यातला काही मुद्देमाल देखील गुन्हे शाखेने जप्त करून आपल्या स्वाधीन केलेला आहे। आपण आज आरोपीला मान्य कोर्टासमोर हजर करून त्याची PC घेत आहोत आणि पुढील तपास करीत आहोत। बरोबर आहे, अक्षय दारोकर याच्यासोबत त्याचा साथीदार राहुल नायडू राहणार पांढरबोळी याला देखील पकडलेलं आहे आणि हे दोघांनी घरफोडीमध्ये लुटलेलं सोनं हे हंसापुरी येथील रितेश तिवारी यास विकले होते असे गुन्हे शाखेच्या प्राथमिक तपासात निष्पन्न झालेले आहे, तर त्याला देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहे आणि आता पुढील तपास करीत आहोत। आरोपी अक्षय ने हुडकेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले इलाके से 10 से ज्यादा सेनमरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की। वहीं पुलिस ने आरोपियों से कार समेत 4,38,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।